डिस्क्लेमर, माई पर्पस इज नॉट टू इंटीमेट एनी पर्सन, कास्ट, रिलीजियन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पोलिटिकल पार्टी। आई वॉन्ट टू गिव एडुकेशन विथ ह्यूमर। आज हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं बदरमरी बस्ती। तो यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से शरणा पूजा मनाया जा रहा है, जो कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोगों का यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। हम लोग यहाँ शरणा पूजा पूजा हो चुका है। हम लोग देख सकते हैं वहाँ जुगल सर हैं, और जो शरणास्थल पे जो पाहन पूजा करते हैं। यह है शरणास्थल जहाँ पे पाहन पूजा करते हैं और लोगों को पुष्प देते हैं। मतलब ये इस विशेष पर्व में साल का फूल का और ये साल का वृक्ष का विशेष महत्व है। हेलो हेलो, इसी का पूजा होता है। हेलो हेलो हेलो, सर मतलब साल, और रूल मतलब क्रांति, यानी नए साल का शुरुआत आज ही के दिन से आदिवासी समाज के लोगों द्वारा होता है। यहाँ ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे इतना सा भीड़ इकट्ठा हुआ है। आप देख सकते हैं रंग बिरंगे साड़ियों में, और यहाँ सब लोग आए हुए हैं, आदिवासी समाज के सभी लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ आए हुए हैं। थोड़ा देर में यहाँ पे डांस कार्यक्रम होगा, जो हम लोग जा रहे हैं आप लोग को दिखा रहे हैं। झारखंड के सभ्यता और संस्कृति को हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए, इसे बचाए रखना बहुत ही जरूरी है। मांदर थोड़ा सा मतलब आ जाना चाहिए, बस इतना ही करना। सरजम जो बहा को साल चप्पल और जूता हर बाबन बोलो झंडा को सर की चप्पल जूता जूता बोपे निहर मेना चप्पल जूता झंडा सर की तुकता बोपे इना आज हम लोग यहाँ पे बदरमरी बस्ती, यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से क्या बोलते हैं सरहुल पूजा मनाया जा रहा है आदिवासी मूलवासियों के द्वारा। जैसा कि हम लोग जानते हैं बसंत पंचमी के चैत्र शुक्ल के तृतीय दिन से लेके चैत्र शुक्ल का पूर्णिमा तक, ये मतलब ये चार दिनों का ये पर्व होता है। ये विशेषकर झारखंड में, उड़ीसा में और ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। झारखंड में यह बहुत ही धूमधाम से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और इसमें विशेष करके साल के वृक्ष का बहुत ही अच्छा महत्व है। इसका रीजन क्या बोलूँ, इसका जो रीजन है ये बहुत इसके पौराणिक कथा से, महाभारत के कथा से रिलेटेड है।
अगर हम उतना वो अगर शुरू का स्टोरी पे जाएंगे तो वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। फिलहाल हम सरहुल का अर्थ बताते हैं। सरहुल, सर मतलब सराय का वृक्ष, हुल मतलब क्रांति, मतलब जब जब नए जो यार थोड़ा इसमें पास करो पास करो जैसे सर का अर्थ होता है ये सराय का पेड़ है, हुल मतलब क्रांति। यानी इस समय बसंत पंचमी में जितने भी सारे पेड़ हैं, महुआ का पेड़, साल का पेड़, ये सब सारे पेड़ों के जो पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद जब उनमें नया पत्ती पत्तियाँ फल फूल लग जाते हैं, चारों ओर का वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता है। विशेषकर ये एक क्या बोलते हैं प्राकृतिक पर्व है और ये एक फूलों का त्यौहार से हम लोग जानते हैं और इसलिए हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। और ये इसमें विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोग चार दिन तक, और इसकी जो इसमें जो साल वृक्ष की पूजा पाहन के द्वारा किया जाता है, पहला दिन में ही क्या बोलते हैं जो पाहन होता है वो खुद को उपवास रखता है और ये मछली का जल का पानी को वो घरों में छिड़काव करता है और साल का वृक्ष का जो फूल होता है वो पाहन एक दिन ये पूजा के एक दिन पहले सभी के घरों में पहुंचाता है। मतलब ये क्या बोलते हैं कपड़ा का जो भी घर है घर के ऊपर में रखा जाता है। इसमें जिस तरह से मछली का पानी का महत्व है ठीक उसी तरह इसमें जो केकड़ा है हम लोग नाम सुनेंगे केकड़ा, उसका भी इसमें आदिवासी समुदाय में बहुत ही अच्छा इसका महत्व है। इसमें सरना हम लोग पूजा स्थल को करते हैं ठीक उसी तरह जैसे केकड़ा को ये आदिवासी समुदाय के लोग केकड़ा को पहले पकड़ते हैं उपवास रख के, उसके बाद इसको जहाँ पर उन लोग का पूजा स्थल होता है तो पूजा स्थल में सही बोले नहीं तुम लोग बोल सकते सही बोल रहे पूजा स्थल में उन लोग केकड़ा को पकड़ के अरवा सूता से बांध के टांग दिया जाता है। अब ऐसा इसमें करने के पीछे क्या मिथ्या है इसमें आप जानना बहुत जरूरी है। लोग पूजा करते हैं लेकिन उनके बारे में कुछ जानते नहीं है। और अभी हम लोग का झारखंड आदिवासी मूलवासी लोग का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जानना बहुत जरूरी है और अपने झारखंड को अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखना बहुत ही जरूरी है। जब केकड़े को इस तरह से रखा जाता है पूजा स्थल में, आदिवासी समुदाय के लोग अपने घर के पूजा स्थल में रखते हैं, तो उस केकड़े को जब बाद में जब ये धान की रोपाई बुवाई होता है उसको मिक्स करके वो क्या बोलते हैं धान के जब रोपाई गोबर में सान करके उसको खेत में छिड़काव किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि जिस तरह केकड़े का बहुत सारे बच्चे होते हैं ठीक उसी तरह जब धान का जो बाल होता है उसमें उतने सारे ठीक उसी तरह अधिक से अधिक मतलब ये धान का दाना होना चाहिए, इसलिए केकड़ा का भी इसमें विशेष विशेष महत्व है। इतना कुछ बोल दिया और तुमने कुछ बोल दिया पास कर लो यार। ये दिलीप भैया आप सरना का प्रसादी खा रहे हैं, आप हमको पहले सरना का अर्थ बताइए। तो सर सरना नहीं सरहुल का अर्थ बताइए तू दिलीप भैया नहीं नहीं डेविड सोरेन तुम लोग यहाँ सरहुल पूजा का प्रसादी खा रहा है तो जरा सरहुल का अर्थ बताइए, बताने का बहुत ही थोड़ा कृपा कीजिए। लाइव नहीं चल रहा सरहुल का अर्थ बता दो भाई। तुम लोग आदिवासी मूलवासी लोग हैं जबरदस्त सरहुल पूजा मना रहा है तो थोड़ा उसका प्रसादी के साथ थोड़ा उसके बारे में कुछ बताओ। सरहुल पूजा हम लोग अपना ये प्राकृतिक को बचाने के लिए करते हैं। अच्छा, और अपना एकता बनाए रखने के लिए करते हैं और क्या बोल सकते हैं। तो सरहुल का एग्जैक्ट अर्थ तो बताओ। एग्जैक्ट उतना तो पता नहीं है बट ये प्राकृतिक को बचाने थोड़ा यहाँ जबरदस्त इंटरव्यू हो रहा है यहाँ दिलीप का सरहुल का प्रसाद लाइव नहीं चल रहा पहले बोलो ना सरहुल का प्रसादी खा रहा थोड़ा अच्छे से बताओ इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी दो। संथाली भाई से हम ये जानकारी चाहते हैं। सरहुल हम लोग इसलिए मनाते हैं हाँ कि हम लोग का रीति रिवाज परंपरा जो हम लोग को जब पिछड़े जो रीति रिवाज परंपरा है लेकिन सरहुल क्यों मनाते हैं सरहुल कैसे मनाते हैं सरहुल का अर्थ क्या है अब ऐसे थोड़ा अच्छा से बताइएगा कि फिर लाइव नहीं चल रहा भाई। गजब है तुम लोग का यार आदिवासी मूलवासी का जबरदस्त पर्व है। तुम लोग खा रहा है खाली खिचड़ी खा रहा है थोड़ा वीडियो बना
चलो बता, देखो ये आदिवासी बंदा नहीं है लेकिन ये थोड़ा अच्छा बता रहा है, चलो बता। आदिवासी मेरा नाम लक्का। अच्छा चलो तुम बता, तुम बता। सर उनका शाब्दिक अर्थ होता है साल की पूजा। साल की पूजा कहने का तात्पर्य वैसे अर्थ से है जैसे कि ये सरूल पूजा हमारी धरती माता को समर्पित की जाती है। अच्छा सरूल पूजा और शाब्दिक अर्थ वही होता है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे सरहुल पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। यहाँ पे सरहुल का प्रसादी का वितरण हुआ है, उसके बाद सभी लोग यहाँ पे प्रसादी खा रहे हैं। हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि लोग जो प्रसादी खा रहे हैं तो हाँ किनसे तुमको अच्छा से बता सकते हो, उनके पास चलते हैं। किरण तुम सरहुल का प्रसादी खा रही है, थोड़ा इसके बारे में कुछ बताओ। बताओ सरहुल का प्रसादी खा रही है तो भाई थोड़ा बहुत तो बताओ। तो बता सरहुल के बारे में कुछ बताओ। सरहुल का खिचड़ी भात खाने बस। अच्छा उसके बाद तो सरहुल का कोई अर्थ होगा ना चाची, काहे मनाते हैं आदिवासी मूलवासी समाज के लोग, काहे मनाता है सरहुल, इसके बारे में आप लोग दो शब्द कहिएगा तब तो। परंपरा है इसलिए हम लोग मनाते हैं। सिर्फ परंपरा है इसलिए मनाती है। हाँ। सरहुल का अर्थ क्या होता है? से इसलिए नहीं पता है। सुनो ना सुनो ना, सरहुल का तो प्रसादी खा ली तुम, तब ये बताओ कि सरहुल क्यों मनाते हैं। तो फिर गजब बात है, सरहुल का प्रसादी खाली खाने आती है। मतलब इसमें किस चीज का पूजा होता है कुछ तो बताओ। प्रकृति का पूजा होता है लेकिन और भी कुछ होता होगा ना। पाहन पूजा करता है। और यह पूजा कितने दिनों तक चलता है? एक दिन का होता है। दीदी आपसे जानना चाहते हैं कि आप सरहुल का जो प्रसादी तो खा रहे हैं, तो आप हमको ये बताइए कि सरहुल में मतलब क्या होता है, आदिवासी मूलवासी लोग का ये पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। हम लोग का यही मेन त्यौहार है, सबसे मना जाते हम लोग का आदिवासी में सबसे बड़ा त्यौहार यही है। अच्छा हाँ इसी के माध्यम से हम लोग का मूल बना हुआ है, हम लोग का अस्तित्व है इसी से, इसलिए हम लोग इसको मनाते हैं। अच्छा इसमें साल का वृक्ष का पूजा किया जाता है, तो सिर्फ स्पेशल साल का ही वृक्ष का ही मतलब सारे का ही फूल का पूजा क्यों किया जाता है, इस पे क्या है, क्या मिथ्या है, कुछ होगा ना इससे कुछ रिलेटेड? अभी हम आए हैं बजरमरी बस्ती, यहाँ पे क्या बोलते हैं सरहुल पूजा बहुत ही धूमधाम जबरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है, और हम यहाँ पे संथाली भाइयों लोग से मुलाकात करते हैं, और चलिए हम जानते हैं कि इन लोग सरहुल के बारे में इन लोग को क्या पता है। बता भाई सरहुल का अर्थ होता, सरहुल का अर्थ होता, ये बहुत गलत बात है, सरहुल का अर्थ बता भाई। कोई तो संथाली भाई बता भाई। ऑन रिकॉर्डिंग है का, पूरा फेसबुक में डाल रहा है का? डालेंगे नहीं, लाइव नहीं है, लाइव नहीं है भाई, ऐसा ही है अभी, ऐसा ही है थोड़ा डालेंगे। बताओ इतना संथाली भाई लोग केदार है, अगर अपना सभ्यता संस्कृति को तुम लोग अच्छे से डिटेल डिस्क्राइब नहीं कर सकता है तो भाई आदिवासी मूलवासी होने का क्या फायदा है? अरे भाई अब हम लोग छोटा नहीं रह गया, ठीक है चलो चलो। आज 19 मार्च संडे का दिन है और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ बजरमरी बस्ती जो यहाँ पे सरहुल मनाया जा रहा है। आइए हम लोग जानते हैं स्कूल टाइम के जो हमारे गुरुजी रहे हैं उनसे सरहुल के बारे में कुछ जरा। ये है सरना, सरना को जो हम लोग आदिवासी मूलवासी लोग सरना को पूजा स्थल कहते हैं, और यहाँ पे हमारे सर हैं प्राइमरी टीचर स्कूल टाइम के, वो कुछ जानकारी देंगे कि यहाँ पे हमारे यहाँ कैसे विधि व्यवस्था और पूजा हुआ है, बताइए सर कुछ। सरहुल पूजा ये प्राकृतिक का पूजा है क्या है? हाँ इसमें हम लोग सरहुल सखुआ का फूल है ना, साल हाँ का साल का वृक्ष महुआ का फूल चढ़ाते हैं, और
लोग नया वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। अच्छा ठीक है सर। नया नया पेड़ पौधा में, पेड़ में नया नया पत्ता फूल आता है, नया नया फल फूलियाँ लग जाता है, पेड़ पौधे हरा भरा जो होता है। हम लोग सरहुल के पहले अगर आप झारखंड जीएस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। सरहुल का अर्थ, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है, फिर सरहुल के अन्य नाम, सरहुल में केकड़ा का क्या महत्व है। देखिए धीरे धीरे आप पॉज कर सकते हैं और देख भी सकते हो आप परीक्षा दृष्टिकोण से जो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए आदिवासियों का प्रमुख प्रकृति पर्व सरहुल, यह पर्व प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीय से शुरू होकर चैत्र पूर्णिमा के दिन संपन्न होता है। साल अर्थात सखुआ और सखुआ वृक्ष का विशेष महत्व है। आदिवासियों की परंपरा और उनके अनुसार पर्व के साथ ही नई फसल रबी जो भी गेहूं वगैरह की कटाई की जाती है और आदिवासियों का नया साल शुरू होता है। और जो दो शब्द से मिल के बनाया है सरहुल, सर से सरय और हुल मतलब क्रांति, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, यह प्रकृति पर्व बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला आदिवासियों का प्रमुख त्यौहार है। बसंत ऋतु में जब पेड़ पतझड़ में अपनी पुरानी पत्तियों को गिराकर नई टहनियों पर नई नई जो लग जाते हैं। देखिए यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय दिन से शुरू होता है और पूर्णिमा में समाप्त होता है। मुख्यतः चार दिनों तक मनाया जाने वाला यह पर्व है। ठीक है, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है, देखिए झारखंड में तो विशेषकर मनाया जाता है लेकिन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अंग्रेजी माह में तो फिर आप देख सरहुल पर्व मनाने की क्या प्रक्रिया है। देखिए पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है, दूसरे दिन उपवास रखा जाता है तथा गांव का पुजारी जो पाहन होता है घर की छत पर साल का वृक्ष देता है। तीसरे दिन देखिए उपवास रखा हुआ जो सरना होता है, जो पूजा स्थल सराय के फूलों उसकी पूजा की जाती है, साथ ही मुर्गी की बलि भी दी जाती है, खिचड़ी वगैरह भी बनाई जाती है।
महिलाएं सफ़ेद लाल पाड़ी साड़ी पहनती है, उस पर नृत्य करती है। उस पर भी मान्यता है सफ़ेद पवित्रता और शालीनता का प्रतीक है, जबकि लाल संघर्ष का। सरहुल पर्व से जुड़ी कहानियाँ बहुत सारी प्रचलित है, महाभारत से भी जुड़ी है। इस कथा के अनुसार महाभारत युद्ध जब चल रहा था, आदिवासियों ने कौरवों का साथ दिया था, जिस कारण मुंडा सरदार पांडव बहुत से लोग मारे गए थे। इसलिए उनके शवों को पहचानने के लिए शरीर में साल के वृक्षों को पत्तों के शाखाओं को ढका गया था। इस युद्ध में ऐसा देखा गया कि साल से जो भी पत्ते से ढके हुए थे वो सब शव सड़े नहीं, और बाकी को सड़ गया था। ऐसा माना जाता है कि तब से आदिवासियों का मतलब साल के वृक्ष पे। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे झारखंडी भाई बहन विशेषकर दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप ही लोग के लिए ही बनाया है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए पैसे तो लगते नहीं, बस आप सामने वाले इंसान की मदद करते हो। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।